बहुत निभा लिए रिश्ते, बहुत कर लिया प्यार, बहुत दे दी इज्जत। अब बात सम्मान की है, बात इंसाफ की है। वो जो रिश्तों का कारोबार करते हैं, अपने मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, उन सबसे हिसाब लिया जाए, उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। रिश्तों की मर्यादा तब तक थी जब तक रिश्तों में गरिमा थी। अब रिश्ते सिर्फ एक जरिया बन गए हैं, मुकाबला जीतने का जरिया। रिश्ते पैसों की तरह होते जिन्हें कमाना बहुत आसान होता है पर कमाना बहुत मुश्किल। ये बात न रिया ने समझी न मम्मी ने, इसलिए बहन का रिश्ता तोड़कर रिया सौतन बन गई और मम्मी सासू माँ से दुश्मन। रिश्तों का रूप बदल के उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी है। पर ये किसी का भाग्य नहीं बदल पाएंगे। बस अब बस, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी के साथ इन्हें और खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। जिस जिसने गलत किया है सबको सजा मिलेगी, फिर वो कोई भी हो, सौतन हो या सास, पति हो या और कोई धोखेबाज। जिस जिसने रिश्तों का फायदा उठाया है, जिस जिसने अपने मतलब के लिए रिश्तों का इस्तेमाल किया है, उन सबसे रिश्तों का हिसाब लिया जाएगा। What the hell, Jay? मुझे इसी वक्त टिकट चाहिए अपनी, अभी इसी वक्त। ओके, कैन वी जस्ट काम डाउन, जस्ट काम डाउन। देख तू भी वजह परेशान हो रहा है यार, रात के 9:30 बज रहे हैं यार, अभी मेल मिलने का कोई चांस ही नहीं है। वी सॉर्ट इट आउट टुमारो यार। प्राची अकेली है यार इस वक्त, शी नीड्स मी। क्यों किया मैंने ऐसा? अब जब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ तो मैं इतना दूर हूँ, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? चाहिए फ्लाइट यार। नो नो नो, रणबीर रणबीर, रिलैक्स रिलैक्स। तेरी कल सुबह 7:30 बजे की फ्लाइट बुक कर दी है और तू 9:30 बजे तक यहाँ पर होगा यार, तो मेरी कल सुबह सॉर्ट कर लेंगे। तू सुन रहा है ना? ओके ओके ओके, ठीक है, मैं सुबह तक लैंड करके कॉल करता हूँ। चल ठीक है, टेक केयर। मेरे सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से। क्या जरूरत थी बच्चों की तरह रिएक्ट करने की, घर छोड़ के जाने की? क्या करूं, कुछ कर भी नहीं सकता। जब मुझे अच्छे से पता है कि रिया प्राची के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, तब भी बच्चों की जरूरत होगी मेरी इस वक्त। सॉरी। क्या बाबू जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ यू। तुम जो हमेशा से चाहती थी आज तुमने पा ही ली। मुझे यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, आपको पता है हमने कितने एफर्ट्स लगाए हैं, मैंने आपने, याद है आपको वो होटल में जहाँ प्राची और सिद्धार्थ पहुँचने वाले थे, उनसे पहले आप पहुँच गई, आपने पूरा प्लान सेटअप कर दिया। आर यू श्योर तुमने यही सुना कि रिया प्राची का सारा सामान बाहर फेंक रही है? उन्होंने यही कहा, उन्होंने हटाना भी शुरू भी कर दिया होगा। ये सही नहीं है रिया, एटलीस्ट एक दिन तो वेट करना चाहिए था। मुझे सच कहूँ तो मुझे एक और दिन वेट नहीं हो रहा था, और अगर शायद वेट करती ना तो मैं सारा काम बिगाड़ देती। लेकिन आपने, आपने सब कुछ संभाल लिया। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं कैसे होता। आपकी वजह से वो प्लान सक्सेसफुल हुआ। एनीथिंग भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये तुम अच्छे से जानती हो। फिर से दो प्राची को बेहोश करके बिस्तर से लेटाना कोई बड़ी बात नहीं। बूजी मैंने आपसे पहले कभी पूछा नहीं, लेकिन आपको प्राची और सिद्धार्थ जैसे दिखने वाले एकदम सिमिलर लोग कहाँ से मिले, जो पीछे से बिल्कुल उन दोनों के जैसे दिख रहे थे जिन्होंने वो होटल के रजिस्टर पे साइन किए थे? ये काम तो सबसे मुश्किल था मेरे लिए, बड़ा रियली वर्क था थोड़े। ऐसे लोगों को ढूंढना जो सिद्ध और प्राची जैसे दिखे पीछे से, इट वाज वन हेल ऑफ अ टास्क। शुरुआत में तो मैं भी धोखा खा गई थी जब मैंने उन दोनों को देखा कि पीछे से वो एग्जैक्टली प्राची और सिद्ध जैसे दिखते हैं। नो वंडर रणबीर भी धोखा खा गया। लेकिन बुजी, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि रणबीर अपनी आंखों से सिद्धार्थ और प्राची को एक साथ उस बेड पर देखे, एंड दिस वॉज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू। ऑनेस्टली पहले मुझे लगा था कि प्राची और रणबीर को दूर करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उनका रिश्ता ऐसा था, लेकिन जब मैंने देखा कि मतलब ये आंटी प्राची से इतनी नफरत करती है, तब मुझे लगा कि शायद पॉसिबल है। इसी तरह बुजी रणबीर और प्राची के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती रहनी है, बाकी का काम पल्लवी आंटी खुद ही कर लेगी।
और अब क्या करना है? अब क्या? I don't know, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रणबीर का दिल ना अभी भी प्राची के लिए धड़कता है। This is my wife. मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है यार, बस मेरी फ्लाइट लेट ना हो जाए। एक बार जल्दी से घर पहुंचा प्राची को जेल से बाहर निकालूंगा। फिर ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, जब मैं उसको अपनी हेल्प ऑफर कर रहा था तो वो क्यों नहीं ले रही थी? तो उस पर उसको तो अपनी सारी बैटल जो है मैडम को वो अकेले अकेले लड़नी है। मेरे से हेल्प नहीं तो क्या नाक छोटी हो जाती उसकी? मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर ये साथ तभी होगा जब तुम बाहर जाके सबको बताओगे कि हम साथ में हैं। जहाँ उम्मीद ही ना हो वहाँ साथ किस बात का? मैं घर से निकला नहीं, एक नई मुसीबत आ गई। इतनी मुसीबत आई नहीं, प्राची ने मुसीबत को खुद जाके गले लगा लिया, जैसे मेरा ही वेट कर रही थी घर छोड़ने का। मैं बोलूंगी तो क्या बोलूं उसको? उसको कुछ भी बोलूंगा तो वो झगड़ा करेगी मुझसे, मुझे सुनाएगी। अपनी लाइफ में कभी इतनी हेल्पलेस सिचुएशन में नहीं हुआ। सोचा था इस बार लोहड़ी पे इंडिया से बहुत दूर चला जाऊंगा, तो मुझे ये सारी पुरानी यादें नहीं आएंगी। यादें अच्छी हैं पर मेरे लिए अच्छी नहीं, मेरे जहन में आती है तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। वो भी क्या दिन थे, प्राची और मैं सबसे अलग थे पर एक साथ थे, इतना खुश थे हम एक साथ। प्राची को मैंने पिछली लोहड़ी में कैसे उल्लू बनाया था। अरे प्राची रुक जाओ, आ रहा हूँ मैं। अरे टाइम ना रणबीर सजने में लगाना है, लोहड़ी की पूजा है, सारा मोहल्ला आ गया होगा। मैं यही हूँ, पूजा का कोई टाइम होता है, ऐसे कभी भी नहीं जा सकती, मुझे बकलू को कौन समझा? अरे प्राची क्या कर रही हो? क्या करी मतलब जा रही हूँ? मेरे बिना चली जाओगी क्या पूजा में? तुम्हारे बिना नहीं, तुम्हारे साथ, मुझे पता है तुम आ ही रहते। हटो। अरे तो ऐसे थोड़ी जाते हैं, और हम लोग साथ चले जाएंगे, थोड़ी तुम पहले पहुंच गए मैं बाद में आ रहा हूँ। ऐसे मेरे बिना लोहड़ी की पूजा में क्या ही करूंगी? तुम्हारे बिना मतलब कोई करवा चौथ की पूजा नहीं जो तुम्हारे बिना हो नहीं सकती, लोहड़ी की पूजा है तुम्हारे बिना हो सकती। ऑफ कोर्स हो सकती, मैं मानता हूँ, पर सुनो ना, हम साथ चलेंगे ना हम लोग ऐसे कपल ना? ऐसे कपल क्यों? तुम और मैं साथ में जाएंगे तो हम लोहड़ी के ना आसपास ऐसे चक्कर लगाएंगे, और वहाँ पे कितने सारे बुजुर्ग लोग होंगे तो हमें अच्छे से आशीर्वाद भी देंगे, है ना? देखो प्राची, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोगों के लिए लोहड़ी का क्या मतलब है, पर पता है मेरे लिए क्या मतलब है? मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं लोहड़ी के आसपास ना साथ में चक्कर लगाएं और साथ फेरे लें। पकलू? हाँ जी जी, हमारी शादी हो चुकी है। ऑफ कोर्स हो चुकी है हमारी शादी, इसका ये मतलब थोड़ी कि अगर हम फेरे लेंगे तो हमारी शादी वीक हो जाएगी, हमारी शादी उल्टा अल्ट्रा स्ट्रांग हो जाएगी। प्राची सब भूल गई, पर ऊपर वाले को सब याद है, इसलिए मुझे लोहड़ी के दिन वापस भेजा प्राची के पास, ताकि मैं वही वादा फिर से कर सकूं। इसलिए वापस भी जाने नहीं दे रहा। पैसेंजर्स ऑफ फ्लाइट नंबर 6521 टू न्यू दिल्ली प्लीज गो टू गेट नंबर 3। अरे जय, गुड मॉर्निंग मैम। हाय, गुड मॉर्निंग, कम कम। नहीं मैम, बस वो कुछ फाइल्स लेनी थी, मीटिंग के लिए जाना। अरे जय, वहां क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। कम कम कम। पल्लवी, नीति से कहके इसके लिए कुछ चाय और स्नैक्स का। सर आई एम गुड सर, बस वो फाइल्स। अरे सुबह सुबह आए हो, कम से कम एक कप चाय तो पी लो। सर मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। ले लो यार, तुम्हारे बहाने मुझे भी मिल जाएगी। वो चाय नहीं मिलती, बार बार नहीं मिलती। ये जो महिला यहाँ पे खड़ी है ना, ये तुम्हारे बॉस की भी बॉस है। मैं सब सुन रही हूँ। क्या सुनाई दे रहा है? हम तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। वो फाइल्स। हाँ हाँ, ये फाइल लेने आया है, मैं फाइल लेकर आता हूँ। तुम तब तक और मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। हम दोनों के लिए मैं फाइल लेकर आता हूँ। और फाइन ऑन, जैन का तो चलता रहता है, तुम आओ बैठो, मैं चाय लाती हूँ। रणबीर कहाँ पहुँचा यार? हाँ बस मैं पुलिस स्टेशन के बाहर पहुँच चुका हूँ, बस जा ही रहा हूँ। मैंने लॉयर को फोन कर दिया, वो अभी कभी भी आ सकता है। रणबीर का फोन? हाँ, पर तुम मुझे क्यों फोन कर रहा है यार? अच्छा कुछ मीटिंग का काम था तो बता मुझे। नहीं, काम नहीं करवाना था, देखो थैंक यू बोलना था। तुझे कभी कभी गुस्सा कर देता हूँ, पर तू कभी रिएक्ट नहीं करता। और इसलिए नहीं क्योंकि मैं तेरा बॉस हूँ, इसलिए कि मैं तेरा दोस्त हूँ। आई नो नॉट रणबीर यार, अगर तू मुझे नहीं बताता कि प्राची अरेस्ट हो गई तो मुझे पता भी नहीं चलता। थैंक्स कैसा है यार? देख रणबीर, आई नो प्राची इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड आई नो एवरीथिंग रणबीर। इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। अब इतनी इम्पोर्टेंट तू मुझे मत बता। मुझे मैंने बोला प्राची अरेस्ट हो गई, तो अपनी अब्रॉड मीटिंग छोड़ के नेक्स्ट फ्लाइट से उसी के पास आया। आई नो रणबीर, तू उसी के लिए आया। अब बातें मत बना प्लीज। ना आई नो आलिया, रणबीर को ये नहीं करना चाहिए था। ये रणबीर ये गलती बार बार कर रहा है। बार बार इसीलिए कर रहा है क्योंकि हम में से कोई उसे रोक नहीं रहा है।
तुमने सुना ना अभी विक्रम ने क्या कहा? हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में तब कुछ नहीं था जब उसकी शादी प्राची से हुई थी, लेकिन अब उसकी शादी रिया से हो चुकी है। रिया का हक है रणबीर पर, रणबीर पर रिया की जिम्मेदारी है, इस घर पर रिया की जिम्मेदारी है, कुछ तो करना होगा। मैं क्या करूँ, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। सबसे पहले रिया को कुछ पता मत चलने देना, कीप एवरीथिंग वेरी नॉर्मल, और इसके लिए सारी जिम्मेदारी तुम्हें अपने हाथ में लेनी होगी। मैं? हाँ पल्लवी, ये घर तुम्हारा है, इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। पहले भी तो करते आई हो ना, रिया की इस घर में पहली लोहड़ी, मेक दिस फेस्टिवल अ मेमोरेबल वन फॉर हर। यू राइट आलिया, लेट्स गो शॉपिंग। शॉपिंग? मम्मी जी ने लोहड़ी के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए कहा है मुझे। सामान क्यों खरीदा जाता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब तुम बाद में पूछ लेना मम्मी जी से। बट एज ऑफ नाउ वो सारा सामान मुझे ही खरीदना है अपने हाथों से। एंड यू राइट, ये रिया की पहली लोहड़ी है, वी मस्ट मेक इट मेमोरेबल फॉर हर। कल की लोहड़ी स्पेशल होनी चाहिए। मिस्टर गुप्ता, थैंक गॉड आप आ गए, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर सर। अभी बस दोनों की साइन लगेगी, उसके बाद यू आर फ्री। ओके, प्लीज पेपर साइन कीजिए। आप दोनों ये साइन करिए। That's right, but आपको पता कैसे चला कि शाना भी यहाँ पे? क्योंकि हमें तो पता था कि प्राची यहाँ पे। जी, डिटेल के लिए मैंने पुलिस स्टेशन पे फोन किया था, उसी वक्त मुझे प्राची और शाना के बारे में पता चला। प्राची चली जाएगी और शाना यहाँ रह जाएगी, ऐसा तो आप होने नहीं दोगे। राइट, इसके लिए मैंने शाना का नाम पहले से डाल दिया था। बहुत अच्छा किया आपने। इंस्पेक्टर साहब हो गया आपका? जी। मिस्टर रणवीर, यस, आप तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से आए होंगे, जाहिर अपने कार नहीं लाई होगी। प्लीज टेक माय कार। आर यू श्योर? या प्लीज, थैंक यू, मैं आपकी गाड़ी लौटा दूंगा। या श्योर, ओके, या आप चलिए, थोड़ा फॉर्मेलिटीज करके आता हूँ। ठीक है, प्लीज, थैंक यू, चले। कितना टाइम निधि, जल्दी खोलो दरवाजा। रिया, दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मैं तुम्हारी मदर इन लॉ के साथ शॉपिंग गई। इसके बाद मैं कभी शॉपिंग नहीं जाने वाली। कम ऑन बुजी, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी, ओके? वो मेरे लिए सरप्राइज प्लान करे और इसलिए तो उन्होंने इतनी सारी शॉपिंग कर डाली। रियली? थोड़ा क्रेडिट मुझे भी दे दो, हमारी पसंद नापसंद मैंने ही बताई तुम्हारी मदर इन लॉ को। ओह, और उसके लिए थैंक यू। हाँ आलिया, क्योंकि अगर तुम नहीं होती ना, मेरी शॉपिंग इतनी जल्दी हो ही नहीं पाती। जल्दी? हाँ, मुझे लगा हम एक साथ से शॉपिंग कर रहे हैं। अरे पल्लवी, तुम आ गई। नहीं आना चाहिए था मुझे। नहीं नहीं, वो तुम लेट हो गई ना, तो मुझे लगा अब तुम आओगी नहीं। अब बस मुझे तुम्हारा एक लेटर मिलेगा जिसमें लिखा होगा, बस विक्रम, अब मैं और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। आई एम लीविंग यू, वी आर डन। यू विश, है ना? क्या कर रही हूँ, मम्मी जी खड़ी है यहाँ पर। रणबीर ने तो कहा था कि वो प्राची को लेकर आ रहा है, पर आया क्यों नहीं अब तक? शाहना, पीछे बैठो। मैंने सुना है प्रेगनेंसी में ना, अगर पीछे बैठे तो झटके कम लगते हैं, इट्स बेटर फॉर द बेबी आल्सो। और तुम बताया वैसे भी इंडिया की रोड कितनी खराब है, तो तुम पीछे बैठोगी, तुम भी खुश होगी और बेबी भी खुश रहेगी। कम, अच्छा कम बैठो आराम से। ओके, मैंने सुना है प्रेगनेंसी में ना, अगर पीछे बैठे तो झटके कम लगते हैं, इट्स बेटर फॉर द बेबी आल्सो। जो तेरी और खींच लाती है उनसे गुजरना जो मैं चाहूं। ओ, तो तुम एक अच्छी बहन की तरह पीछे बैठ के अपनी छोटी बहन का ख्याल रखोगी, वेरी गुड। तुम एक अच्छी बहन बनो, मैं एक अच्छा ड्राइवर बनता हूँ। हम
तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है? पर मैं तो रोज बर्दाश्त करता हूँ ना, रोज सुबह उठ के तुम्हारे पास आता हूँ और प्यार से बात करता हूँ। जब भी तुमसे प्यार से बात करता हूँ तुम मुझे एटीट्यूड दिखाती हो। क्यों? तुम्हारी जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ तो तुम मुझे ऐसे बोलती हो जैसे मेरी वैसे ही वो प्रॉब्लम आई है तुम्हारी लाइफ में। क्या गलत बोलती हूँ, क्या गलत सोचती हूँ? है जो मैं सोच रही हूँ ना, बोल रही हूँ ना, सब सही है। मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम की वजह तुम हो, तुम हो जिम्मेदार। और ये जो ट्रीटमेंट तुम्हें मिल रही है जिससे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है ना, नहीं होनी चाहिए। ये ट्रीटमेंट तुम डिजर्व करते हो, नहीं चाहिए। कोई केयर, कोई कंसर्न, कोई प्यार नहीं चाहिए मुझे। मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं, तुम क्या सोचते हो, मुझे पता है। ये सब दिखावा ही है, ये सब दिखावा है। हाँ, तुम्हें तकलीफ होती है, तुम बर्दाश्त करती हो ना, तो ठीक है। आज से हम हमारा एक नया चैप्टर लिखेंगे। मैं वो सारी चीजें करूंगा जो तुम चाहती हो। तुम चाहती हो ना मैं तुमसे दूर चला जाऊं, तो ठीक है, मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा ना प्राची, तुम्हें ना मैं दिखूंगा और ना ही मेरा प्यार दिखेगा। इन दोनों को लगता है कि एक दूसरे से लड़ रहे, पर ये उनका प्यार ही है जिसने एक नया रूप लिया। एक प्राची है जो रणबीर को माफ ही नहीं कर पा रही है, और रणबीर जो प्राची को समझना ही नहीं चाहता है। और इन दोनों के झगड़े के बीच में मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। भगवान जी, अब आप ही हो जो कुछ कर सकते हैं। इनकी जोड़ी आपने ही बनाई है ना, तो प्लीज इसे टूटने मत दीजिए। प्लीज संभाल लीजिए इन दो पागल प्रेमियों को, प्लीज। प्रिया, सारी बातें बाद में, पहले मुझे एक बात बोलो, तुमने मुझसे शादी क्यों करी? ये कैसा सवाल है? ऐसे स्ट्रेंज चीजें क्यों पूछ रहे हो तुम? रिया, स्ट्रेंज लग रही है आपको ये चीज? आपको मेरा सवाल स्ट्रेंज लग रहा है? और इस घर में जो हो रहा है वो सब नॉर्मल है? रणबीर, तुम किसी भी बात का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है यार, पागल हो गया हूं मैं। इस घर को मैं घर पर जैसी कोई बात ही नहीं रही है, पागल हो गए होंगे आप लोग। बस पूरे टाइम सब लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। ये घर नहीं है, ये एक फाइट क्लब बन गया है। आप सब लोगों को इस फाइट क्लब की मेंबरशिप मिल चुकी है और आप सब सिर्फ लड़ना चाहते हैं, सिर्फ लड़ना चाहते हैं आपस में। पागल हो जाऊंगा मैं। हर वक्त, हर सुबह, हर शाम, चाहे कोई रीजन हो या ना हो, बस आप लोगों को लड़ना है, सामने वाले को हराना है, सबको हराना है सामने वाले को, और सबको सपोर्ट चाहिए। बट आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकता, नॉट एनी मोर इन दिस फाइट। आई एम सो सॉरी, आई एम डन। बात करनी है तो औरों की बात करो, मेरी मत करो। मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें मुझे सपोर्ट करते हुए। मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे देखना ही बंद कर दिया है प्राची। तुम्हें मैं दिखाई नहीं देता हूँ। मैं ना एक सुपर हीरो हूँ जो सबकी मदद करता हूँ, लेकिन किसी के सामने नहीं आता। आई थिंक तुम मुझसे बात कर रहे थे। एक मिनट, चलो मेरे साथ इधर आओ। चलो तुम यहाँ से कहीं जाओ, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत देर तक चलेगा। जाओ यहाँ से। रणबीर, मैं ठीक हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, जाओ अंदर। रणबीर, ये यहाँ क्यों रहेगी? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। इस घर में मेरी कोई हैसियत है, कोई औकात है, कोई वैल्यू है? मैं हर वक्त ये नहीं कर सकता। कभी मैं किसी पत्नी का पति बनता हूँ, कभी मैं किसी माँ का बेटा बनता हूँ, लेकिन आज आज मैं रणबीर कोहली बनने वाला हूँ। और रणबीर कोहली ये चाहता है कि शाना यार। ये तुम्हारे मुंह पे तमाचा है, शायद तुम्हें ठीक से पता नहीं चला, तुमने सुना नहीं, तो मैं दोबारा बता देती। रणबीर बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए इंडिया से बाहर जा रहा था, पर जैसे उसने सुना कि मैं मुसीबत में हूँ, मैं खतरे में हूँ, तो सारे काम छोड़ के सीधा मेरे पास चला आया। क्यों? क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, आज भी उसका दिल मेरे लिए धड़कता है। वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, समझ गई तुम? रणबीर डजंट लव यू। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं,
अगर नहीं सुना तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि रणबीर ने क्या कहा था। उसने ये कहा कि उसे इस घर की इज्जत की परवाह है और इसलिए उसने तुम्हारी बेल करवाई। उसे इस घर की इज्जत का ख्याल था प्राची, तुम्हारा नहीं। और तुम जो ये मेरे सामने खड़ी हो ना, इस घर की इज्जत के नाते खड़ी हो। रणबीर इस घर की इज्जत को वापस लेकर आया, तुम्हें नहीं। रणबीर तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता और इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दो। वो सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। That's it. तुम उसके दिल से कब की निकल चुकी हो और बहुत जल्द इस घर से भी निकाली जाओगी, क्योंकि मैं रणबीर की बीवी हूँ और इस घर की बहू, और बहुत जल्द मैं तुम्हें वो प्रूफ करके दिखा दूंगी। कल लोरी है, मेरी पहली लोरी। इस घर का फैमिली फंक्शन है। अब तो मेरी शादी में तो नहीं आई, तो कल रणबीर को फिर से मेरा होता हुआ देख लेना। चुप हो ना तुम। आई लाइक द साइलेंस, सॉरी दिस साइलेंस सूट्स। बस इसी साइलेंस को ना मेंटेन करके रखना और ये सच को एक्सेप्ट कर लो कि रणबीर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। बहन होने के नाते ना एक एडवाइस दूंगी कि मैं ना तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती। लोरी के पहले इस घर से चले जाओ, वरना बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है प्राची पर क्या करूं? गुस्सा भी नहीं कर सकता। अगर बाई चांस गुस्सा कर भी दूं तो सॉरी नहीं बोल पाता। मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूं पर वो मुझे अपना ख्याल रखने नहीं देती है यार। प्यार तो बहुत दूर की बात है, वो घर में रह रही है, वो मेरे साथ दोस्त बनके भी तो रह सकती है ना, क्यों उसको दुश्मन बनके क्यों रहना है मेरे साथ? मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो गया। What do I do? भाई थोड़ा धीरे बोलोगे? सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मैंने आपको ऐसे डिस्टर्ब कर दिया, आप सो रहे थे, आई एम सो सॉरी। अच्छा तो तुम वो हो जो पागल है? क्या मैं पागल हूं? सुना मैंने तुम्हें, थोड़ा बहुत तो जान गया हूं तुम मुझे नहीं जानते। क्या लगता है सड़क पे क्यों सो रहा हूँ? क्या लगता है क्या, आपके पास घर नहीं होगा जाने के लिए, इसे सड़क पे सो रहे हो? टीवीएस के लखोदी रोड पर यहाँ सो इसलिए रहा हूँ क्योंकि घर के साथ साथ मेरी घरवाली भी है, मेरे बीवी ने घर से निकाल दिया, धीरे सो रहा हूँ। तो मतलब आप कभी झगड़ा हो गया बीवी से? झगड़ा नहीं हो रहा है, मैं बस उसे सॉरी कहा, वो भी किस लिए? दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा था इसलिए। बताओ ये भी कोई वजह होती है घर से निकालने की? भाई मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बीवी से कभी सॉरी मत कहना। सॉरी कह दिया तो सारी जिंदगी सॉरी कहते रहोगे। सॉरी कहते रहोगे क्या, बीवी के आगे दबते रहोगे? एक सेकंड, तो अगर आपकी गलती है तो आपको सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा ना? बोलो, पर इसकी आदत मत बनाओ। अब देखो जैसे मैंने तुमसे कहा थोड़ा धीरे बोलो, तुमने झट से कह दिया सॉरी। क्या सॉरी, कुकी भी तो बोल सकते थे। बार बार सॉरी बोलने का मतलब गलती मान लेना, सरेंडर कर देना। अब तुमने सॉरी बोला, या तो मैं तुम्हें माफ कर दूं या तुम पर सारा गुस्सा निकाल दूं। अगर तुमने सॉरी नहीं बोला होता तो क्या होता? तो ये गुस्सा या माफ करने वाली सिचुएशन आती ही नहीं। ये बात आदमी समझदार हो गुरु, सॉरी के नीचे दबे हुए तो सॉरी बोलो, तब तक नहीं जब तक की कोई गलती ना हो। नहीं तो मेरे दोस्त तुम भी मेरी तरह ना सड़क पे सोते नजर आओगे।